So we are discussing about neural network learning rules. Today we are going to discuss about the competitive learning rule, that is winner takes all learning rule. This is the last learning rule of all, winner takes all. So in competitive learning, what we observe is that unsupervised network training, it is competitive learning rule है, ये unsupervised network training होती है and applicable for an ensemble of neurons and it is applicable for multiple number of neurons, that is p neurons. P can be 1, 2, 3, 4, or 5 up to p. P is a particular variable, ठीक है जी, but it is not applicable for a single neuron. If you want to apply for a single neuron, that is, it is not applicable because it is competitive learning. What is the meaning of competitive? Competition. A competition cannot be in a single neuron. There must be some multiple neurons to provide competitive environment to the nodes. So, p number of neurons ke liye applicable hota hai, unsupervised hota hai, single neuron ke liye applicable nahi hota. दूसरा क्या होता है, इसके अंदर जो आउटपुट न्यूरॉन्स ऑफ द न्यूरल नेटवर्क है, दे कंपीट विद ईच अदर टू बिकम एक्टिव. जो आउटपुट न्यूरॉन्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं टू बिकम एक्टिव. एक्टिव बिकम होने के लिए दे कंपीट विद ईच अदर, यानी कि इसके अंदर क्या है, दे अडॉप्ट द न्यूरोन एम. जो भी पी नंबर ऑफ न्यूरोन्स है उसमें से वो न्यूरोन्स अडॉप्ट होगा नेटवर्क के अंदर विच हैज द मैक्सिमम रेस्पॉन्स ड्यू टू इनपुट एक्स. जिसका क्या है, मैक्सिमम रेस्पॉन्स है, किसकी वजह से, इनपुट एक्स की वजह से. यानी कि जब हम न्यूरल नेटवर्क के ऊपर इनपुट एक्स अप्लाई करेंगे तो वहां पे जो पी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हों उनमें से एक न्यूरॉन ऐसा होगा जिसकी क्या होगी, मैक्सिमम रेस्पॉन्स होगा. उसको हम क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे नेटवर्क के अंदर, यानी कि दैट विल बी द विनर न्यूरॉन ऑफ द नेटवर्क. और जो भी लर्निंग जो होगी वो उस विनिंग जो न्यूरॉन है उसके ऊपर होगी लर्निंग, ठीक है जी. यानी कि जो वेट एडजस्टमेंट की जो बात करते हैं हम लर्निंग के अंदर, कि चेंज इन वेट होता है डेल्टा डब्ल्यू, वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, उस विनर न्यूरॉन एम के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है जी. बाकी सबके अंदर लर्निंग नहीं होगी. जो पी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है उनमें से सिर्फ एक ही न्यूरॉन के अंदर लर्निंग होगी, वो होगा एमथ न्यूरॉन, जो भी एक पर्टिकुलर न्यूरॉन होगा जिसका मैक्सिमम रेस्पॉन्स है, ठीक है जी. दूसरा क्या होता है, इसके अंदर ओनली सिंगल न्यूरॉन इज एक्टिव एट एनी वन टाइम. तो जी, क्योंकि मैक्सिमम जो रेस्पॉन्स जिसका है उसी को हम अडॉप्ट करते हैं नेटवर्क के अंदर, तो जाहिर सी बात है एक टाइम के ऊपर एक ही न्यूरोन क्या होगा, एक्टिव होगा, सिंगल न्यूरोन विल बी एक्टिव, ठीक है जी. दूसरा क्या है, तो फिर ये फीचर किसमें हेल्प करती है, एक सिंगल न्यूरॉन की जो रेस्पॉन्स जो जनरेट हो रहा है, यानी कि जिसका मैक्सिमम रेस्पॉन्स है सिर्फ उसी को क्या कर रहे हैं, वही उसी के अंदर लर्निंग हो रही है. इसका मतलब क्या है, इट इज द सेलाइंट फीचर फॉर पैटर्न क्लासिफिकेशन. क्योंकि पैटर्न्स को हमें क्लासिफाई करना होता है, तो उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, एक कम्पिटेटिव लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग रूल टू अप्लाई, ठीक है जी. न्यूरॉन्स लर्न टू स्पेशलाइज ऑन एंसेंबल ऑफ सिमिलर पैटर्न्स. क्योंकि न्यूरॉन्स क्या करते हैं, लर्न करते हैं सिमिलर पैटर्न्स के ऊपर, तो दे बिकम फीचर डिटेक्टर्स. तो सिमिलर पैटर्न्स के ऊपर जब वो लर्न करेंगे, स्पेशलाइज करेंगे, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, फीचर डिटेक्टर्स. क्योंकि वो जो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, दे आर फीचर डिटेक्टर्स. फीचर्स को दे कैन डिटेक्ट, क्योंकि पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किस बेसिस पे करते हैं, उनकी फीचर्स के बेसिस के ऊपर, उसकी शेप क्या है, कलर क्या है, उसकी विड्थ साइज क्या है, दीज आर ऑल फीचर्स. तो दे आर द फीचर डिटेक्टर्स. Then what are the basic elements for competitive learning? इसके अंदर basic elements क्या है? A set of neurons, a p number of neurons हम लेते हैं, जो क्या है, उससे बिल्कुल सेम होते हैं, एक्सेप्ट उनका साइनेप्टिक वेट डिस्ट्रीब्यूशन. जो उनके कनेक्शन जो वेट्स होते हैं सिर्फ वो डिफरेंट होते हैं, उसके अलावा क्या होता है, All the neurons, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी फीचर्स, एवरीथिंग इज सेम इन द नेटवर्क. दूसरा क्या,
दे रेस्पॉन्ड डिफरेंटली टू ए गिवन सेट ऑफ इनपुट पैटर्न. वो जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं, जो 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 भी इनपुट आप प्रोवाइड करोगे इनपुट पैटर्न, उसके ऊपर डिफरेंटली क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है जी. तीसरा क्या है, इट इज ए मैकेनिज्म टू कम्पीट टू रेस्पॉन्ड टू ए गिवन इनपुट. क्योंकि हम यहाँ पे कम्पिटेटिव लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो इट इज ए मैकेनिज्म टू कम्पीट, यानी कि एक ऐसा एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है ये कम्पिटेटिव लर्निंग रूल, जो क्या करता है, जो इन्फोर्स करता है जितने भी जो आउटपुट नोड्स हैं आपके, जो भी जितने भी न्यूरॉन्स हैं आपके नेटवर्क के अंदर, वो क्या करें, एक दूसरे के साथ कम्पीट करें. क्योंकि जो विनर जो होगा उसी की आउटपुट क्या होगी, जनरेट और प्रोड्यूस होगी, उसी के अंदर क्या होगी, लर्निंग हैपन होगी. ठीक है जी. सो द विनर दैट विंस द कॉम्पिटिशन, तो जो कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट के अंदर जो कॉम्पिटिशन को विन करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, विनर टेक्स ऑल. विनर टेक्स ऑल यानी कि विनर क्या, टेक्स ऑल, सब कुछ ले लेता है विनर. क्यों? क्योंकि हमने बताया इसके अंदर जो भी लर्निंग होगी वो सिर्फ विनिंग न्यूरोन है उसी के अंदर होगी, बाकी सबके अंदर नहीं होगी. जो चेंज इन वेट जो होगा, डेल्टा डब्ल्यू जो हम कंप्यूट करते हैं, वो सिर्फ जो विनर न्यूरॉन है सिर्फ उसी का चेंज इन वेट हम कंप्यूट करेंगे, बाकी सबका नहीं होता है इसके अंदर. ठीक है जी. सिर्फ कंसीडर ही वो होता है इसके अंदर. देखो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर क्या है, दीज आर द लेयर ऑफ इनपुट सोर्सेज. ठीक है जी. दीज आर द आउटपुट न्यूरॉन्स and they, these are their synaptic weights, yani ke connection weights, they are connect their connections with the nodes. to iske andar jada ye feed forward in nature hota hai aur excitatory hota hai, connections jo hote hain iske andar wo excitatory hote hain iske andar. theek hai ji. yani ke sare sare nodes kya honge, excite zarur honge. theek hai. dusra kya hai, lateral connections jo hai, yani ke jo baad ke jo output neurons ke baad jo output jo produce hogi uske jo connections hain, वो क्या है, दीज आर इनहिबिटरी इन नेचर. वो इनहिबिटरी इन नेचर होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो विनर न्यूरॉन है उसके अलावा जो भी कनेक्शंस होंगे, दीज आर इनहिबिटरी इन नेचर. वो क्या होंगे, उनके आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होगी, सिर्फ किसी की होगी, जो विनिंग न्यूरॉन है उसके. यस अंकुर. अंकुर ओके. तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ चेंज इन वेट. इसके अंदर कम्पिटेटिव लर्निंग रूल क्या कह रहा है, हमने पहले बताया कि अडेप्ट द न्यूरॉन एम. न्यूरॉन, कोई न्यूरॉन एम है, हम उसको अडेप्ट करेंगे. वो न्यूरॉन एम क्या है, विच हैज द मैक्सिमम रेस्पॉन्स, जिसका मैक्सिमम रेस्पॉन्स है ड्यू टू इनपुट एक्स. तो इसके अंदर जो डब्ल्यू एम टी एक्स है, यानी कि जो आउटपुट आएगी, जो कंप्यूटेड आउटपुट आएगी, वो क्या आएगी, मैक्सिमम ऑफ डब्ल्यू आई टी एक्स. यानी कि जितने भी सभी की जो इंडिविजुअल जो न्यूरॉन्स हैं उनकी आउटपुट कंप्यूट करेंगे, उसके अंदर जो उसका मैक्सिमम रेस्पॉन्स जो होगा पी नंबर ऑफ नोड्स के अंदर, इसके अंदर मैक्सिमम के अंदर क्या चल रहा है, आई की वैल्यू क्या जा रही है, वन से पी के ऊपर. तो सभी न्यूरॉन्स के इंडिविजुअली हम कंप्यूट करेंगे, जिसका मैक्सिमम रेस्पॉन्स होगा उसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे उसका चेंज इन वेट. तो डेल्टा डब्ल्यू आई क्या हो जाएगा आपका, अल्फा इज द लर्निंग कॉन्स्टेंट इन टू एक्स is the input minus wi, change wi is the weight vector. kab hoga ye, jab i is equal to kya hoga, m, yani ki jo winning neuron hai wo, yani jiska maximum response hai uska, uski output kya aayegi, uska change in weight kya hoga, alpha into x minus wi, aur baki sab ka kya hoga, zero. यानी कि चेंज इन वेट सिर्फ एक ही न्यूरॉन का होगा, जो एमएथ न्यूरॉन है, कोई भी एक एम न्यूरॉन है जिसका मैक्सिमम रेस्पॉन्स है, उसी का चेंज इन वेट क्या होगा, यहाँ पे कंप्यूट होगा. दूसरा आपको पता है, वेट्स आर टिपिकली जो इनिशियलाइज करते हैं हम उनको रैंडम वैल्यूज पे इनिशियलाइज करते हैं, लेकिन उनको स्ट्रेंथ को हम क्या करते थे, पहले नॉर्मलाइज कर देते हैं ड्यूरिंग द लर्निंग फेज. यानी कि जो भी जो स्ट्रेंथ होगी, जो वेट जो होगा आपका किसी भी पर्टिकुलर नोड का, वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू एम वन For all m,
यानी कि स्टार्टिंग में क्या होगा, सभी का वेट क्या होगा, सेम होगा, जितने भी आपके जो विनिंग जो न्यूरॉन्स होंगे उनके लिए, ठीक है जी। एंड इफ न्यूरॉन डज नॉट रेस्पॉन्ड टू ए पर्टिकुलर इनपुट तो नो लर्निंग टेक्स प्लेस। अगर किसी इनपुट को कोई न्यूरॉन रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो वहां पे कोई भी लर्निंग हैपन नहीं हो रही है। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर कोई न्यूरॉन डज नॉट रेस्पॉन्ड टू ए पर्टिकुलर इनपुट तो वहां पे कोई भी लर्निंग टेक प्लेस नहीं करेगी, यानी कि लर्निंग सिर्फ किसके अंदर होगी, विनिंग न्यूरॉन के अंदर, जिसका रेस्पॉन्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है नेटवर्क के अंदर। इसके अंदर जो एक्स जो है आपकी इनपुट, एक पर्टिकुलर सिंगल इनपुट है, उसके अंदर क्या होता है, दैट हैज ए कॉन्स्टेंट यूक्लिडियन लेंथ। उसकी जो यूक्लिडियन लेंथ जो होती है वो क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, और जो उसका जो वेट होता है, उसका जो सम होता है, सम एंड स्क्वेयर होता है, दैट इज इक्वल टू 1 होता है किसी पर्टिकुलर जो विनिंग न्यूरॉन है उसके लिए, ठीक है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट जो डायग्राम है, डायग्राम ए है, ये तो इनिशियल स्टेट ऑफ नेटवर्क है, जिसके अंदर क्या है, ये जो ब्लैक डॉट्स हैं दीज आर द इनपुट्स, ठीक है जी। और जो एक्स जो है ये आपके क्या है, जो आपके जो वेट्स हैं, आपके कनेक्शन वेट्स जो आपके आउटपुट नोड्स के हैं उनके हैं ये। फिर हम क्या करते हैं, इनको दीज आर एडजस्टेड, दीज वेट्स आर एडजस्टेड टू द इनपुट्स, ये आपके इनपुट्स, तो ये सारे के सारे वेट्स हैं, इनपुट्स को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर, यानी कि इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, आउटपुट जनरेट क्या होती है आपकी, इनपुट मल्टीप्लाइड बाय द वेट्स, तो वो हमने यहाँ पे कर दिया। तो दिस इज द फाइनल स्टेट ऑफ द नेटवर्क, जिसके अंदर आपके इनपुट्स और वेट्स को क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जिसका मैक्सिमम रेस्पॉन्स होगा उसको हम क्या कर लेंगे, एज ए कंसिडर करेंगे एज ए लर्निंग न्यूरोन, ठीक है जी, यानी जिसके अंदर लर्निंग हैपन हो रही है एंड रेस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स आर नेग्लेक्टेड, ठीक है जी। तो यही सब बताया इस सारे पैराग्राफ के अंदर, इसको पढ़ लेना, जिसके अंदर क्या बताया है, इसके अंदर जो बेसिक जो रिक्वायर्ड थिंग है, जो टोटल जो आपके आउटपुट, नेट आउटपुट जो आपकी कंप्यूट होनी है, उसके लिए क्या है, आपका वेट वेक्टर्स, ठीक है, जिनको हम अलाइन करते हैं एक क्लस्टर्स के अंदर, जैसे कि पीछे डायग्राम में आपने देखा, विद द इनपुट वेक्टर्स, ठीक है जी। तो उसके अंदर क्या होता है, जो हर एक क्लस्टर जो रिप्रेजेंट होता है बाय एटलीस्ट 1 नोड, यानी कि जो आपका प्रोसेसिंग नोड जो होता है, आपका न्यूरोन होता है, वो रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल क्लस्टर को, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो क्लस्टर्स बन गए, क्लस्टर्स के हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली कंप्यूट करते हैं क्या, हम उसका रिजल्ट जो रेस्पॉन्स, और जिसका जो मैक्सिमम रेस्पॉन्स होता है उसको हम क्या करते हैं, एज ए विनर न्यूरल कंसिडर करते हैं, एंड उसके अंदर एक्चुअल जो लर्निंग हैपन होती है, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इफ द नेट कैन लर्न ए वेट वेक्टर कॉन्फिग्रेशन, अगर जो ये सारी प्रोसेस जो हो रही है, जिस इस तरह से अगर कोई लर्निंग हो रही है नेटवर्क के अंदर, जिसके अंदर विदाउट बीइंग टोल्ड एक्सप्लिसिटली ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ क्लस्टर्स, जिसके अंदर कोई भी सुपरवाइजर नहीं है, कोई भी आपके पास प्री डिफाइंड आउटपुट नहीं है, अनसुपरवाइज लर्निंग है, तो इस ऐसी जो सिचुएशन के अंदर जो नेटवर्क, इसको हम बोलते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क, यानी कि दे सेल्फ अंडरगो द ट्रेनिंग, उनको पहले से ट्रेन नहीं किया जाता, जो ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या करते हैं, वो सेल्फ ट्रेन करते हैं, वो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है इसके अंदर, ठीक है जी। तो ये जो विनिंग न्यूरॉन को कंप्यूट करने के लिए जो गोल है हमारा, इसको अचीव करने के लिए क्या करते हैं, तो वेट वेक्टर्स होते हैं दैट मस्ट बी रोटेटेड अराउंड द स्फेयर सो दैट द लाइन अप विद द ट्रेनिंग सेट। तो हमें क्या करना पड़ता है, उनको रोटेट करना पड़ता है, ताकि जो ट्रेनिंग जो सेट हमारा, जो जिससे नेटवर्क लर्न करने लग रहा है, उसके साथ वो क्या कर सके, अलाइन कर सके, यानी कि उसको हम यूज कर सके नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए। इस तरीके से हमने उनको क्या करना पड़ेगा, जो वेट वेक्टर्स है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर द फर्स्ट थिंग टू नोटिस इज दैट दिस मे बी अचीव्ड इन ए ग्रेजुअल एंड एफिशिएंट वे बाय मूविंग द वेट वेक्टर व्हिच इज क्लोजेस्ट, जो सबसे जो क्लोजेस्ट वेट है उसको हम मूव करेंगे टू द करंट इनपुट वेक्टर, करंटली जो भी इनपुट है उसके उसके क्लोजेस्ट हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे किसको, वेट वेक्टर को, ठीक है जी, ताकि जो मैक्सिमम जो रेस्पॉन्स है वो हम क्या कर सके, ऑब्टेन कर सके पर्टिकुलर नोड से, ठीक है जी। तो इसके अंदर नोड के सपोज है विद द क्लोजेस्ट वेक्टर,
विच गिव द ग्रेटेस्ट इनपुट एक्साइटेशन, जो सबसे ज्यादा क्या है इनपुट एक्साइटेशन दे रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा v इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स, v इज द आउटपुट वेक्टर, ठीक है जी। तो वो क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ इनपुट एंड आपका वेट, ठीक है जी। तो इसके अंदर जो चेंज इन वेट जो होगा फॉर ए सिंगल नोड डेल्टा डब्ल्यू एम जे दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स जे माइनस डब्ल्यू एम जे, ठीक है जी। यानी कि फॉर कंप्लीट नेटवर्क के तो हमने क्या कंप्यूट किया था डेल्टा डब्ल्यू क्या किया था एक्स माइनस डब्ल्यू आई, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम सिर्फ उसी न्यूरॉन का कंप्यूट कर रहे करेंगे उसी न्यूरॉन का कंप्यूट करने की जरूरत है जो क्या है विनिंग न्यूरॉन है जिसका मैक्सिमम रेस्पॉन्स है। तो वो क्या है कोई एम न्यूरॉन है, ठीक है, जिसके इनपुट क्या है जे, तो उसका डेल्टा डब्ल्यू एम जे क्या होगा अल्फा इंटू एक्स जे माइनस, यानी कि आपके इनपुट में से हम क्या घटा देंगे उसका वेट स्ट्रेंथ, ठीक है जी। तो वो हो जाएगा आपका चेंज इन वेट फॉर द विनिंग न्यूरॉन, ठीक है। इसके अंदर समटाइम्स हमको क्या करना पड़ सकता है कि अगर इफ यू वांट टू इंक्लूड द नेबरिंग न्यूरॉन्स, जो एक्टिव न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे तो इसके अंदर क्या होता है एक सिंगल न्यूरॉन ही एक्टिव होता है, अगर इफ यू वांट टू एक्टिवेट मोर देन वन न्यूरॉन्स तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जो विनर नेबरहुड है उसको हम एक्सटेंड कर देते हैं एक्सटेंडेड बियॉन्ड द सिंगल न्यूरॉन, यानी उसको एक्सटेंड करके सिंगल न्यूरॉन की जगह हम दो तीन चार जितने भी जो एक्सटेंड करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम और अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, वो हम क्या कर सकते हैं एक्सटेंड कर सकते हैं उसके बाउंड्रीज एक सिंगल न्यूरॉन से बढ़ा के, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा जो नेबरिंग न्यूरॉन्स हो उनको हम क्या कर सकें इंक्लूड कर सकें, यानी कि उनके अंदर भी हम लर्निंग करवा सकें एज ए मैटर ऑफ कॉम्पिटेटिव लर्निंग, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट द विनर टेक ऑल लर्निंग रूल, दिस इज द ब्रीफ समरी ऑफ लर्निंग रूल्स जो टिल वी हैव स्टडीड, जितने भी हमने स्टडी किए हैं उन सब के क्या है समरी दी हुई है। हैबियन लर्निंग रूल वी हैव स्टडीड, वी हैव स्टडीड परसेप्ट्रॉन, वी हैव स्टडीड डेल्टा लर्निंग रूल, we have studied withdraw of learning rule and special case correlation learning rule and winner take all learning rule. Six learning rules we have studied, their properties, their weight adjustment is given, their initial weights are given, their learning whether supervised or unsupervised, their neuron characteristics are given and their neuron layer is given, yeah, the number of neurons that can be in the network. So this is the summary of all the learning rules. Just go through them. If you find any problem, then you can discuss. So with the end of the learning rules, we have completed the first unit of your artificial neural network. Okay, thank you.